सो इन्फेक्टेड एनिमल्स टाउन में इंटर होने की वजह से सब अलार्म बजाए जा रहे होते हैं मर्जेस्टी सब हाई सोशल स्टैंडर्ड वालों के साथ मीटिंग कर रही होती है कि इधर एक आदमी भागता भागता आता है एंड कहता है की हाईनेस होली नाइट्स नैंड से इस सिटी में इंटर हो गए हैं इन लोगों में से एक पूछता है कि वो कितने होली नाइट्स है जिस पर ये आदमी बताता है, नाइट्स है।, Then, है कि टोटल पांच होली नाइट है देन ये भी कोई घबराने की बात है क्या हमारी आर्मी इतनी कमजोर है कि पांच होली नाइट्स को भी हैंडल नहीं कर सकती जाओ और उनको क्रश कर दो इधर ही ब्रूनो भी खड़ा होता है जो के कहता है की हाईनेस चाहे वो पांच होली नाइट्स है पर वो अपने साथ इंटरनेशनल इन्फेक्टेड वायरस भी लाए है मोजेस्टिक कहती है ओ अच्छा और बताओ फिर ब्रूनो बताता है की ये वायरस एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में बहुत तेजी से ट्रांसफर हो सकता है, है के क्या तुम्हें पता है के इसके पीछे किसका हाथ है जिस पर ब्रोनो बताता है की मेरे साथ मेरा एक पार्टनर होता था लेकिन इसका ट्रीटमेंट का तरीका बहुत डिफरेंट था वो लोगों को टॉर्चर किया करता था इसको वोन भी किया गया लेकिन जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इसको एक्सपेल कर दिया और इसकी डिवाइन आर्ट्स को भी हमेशा के लिए रिमूव कर दिया गया था इसीलिए इसने ही बदला लेने के लिए ये वायरस बनाया और नैदरलैंड से मिलकर हमारे एम्प्रेस पर अटैक कर दिया मजिस्ट ये सुनकर कंप्लीट साइलेंट हो जाती है एंड एनिमी का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है इस सॉन्ग को स्किप करते हैं इसके बाद दिखाया जाता है कि उन पांच होली नाइट ने सिटी में तबाही मचाई हुई होती है इनको रोकने के लिए इस सिटी के होली नाइट्स भी आ जाते हैं जो कि कुछ ही देर में इनको रोकने में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड इनको पकड़ लेते हैं कैमरा लोटे एंड इस आदमी पर आता है ये अचानक पीछे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है लोटे इस आदमी से कहती है कि ये ब्लास्ट वर्ड फार्मेसी के नजदीक ही हुआ है अगर मैं अभी उधर जाकर देखूं तो शायद मैं कुछ लोगों को मेडिसन दे सकूं। एंड लोटे यही देखकर परेशान हो रही होती है जिस पर यह आदमी इसको समझाता है की तुम बस सिर्फ फार्मा पर ही ट्रस्ट करो वो सब कुछ हैंडल कर ही लेगा ये सब कहने की ही देर थी के पीछे फार्मा फ्लाई करते हुए आ जाता है है नोटे भी फार्मा को देख कर हैपी फार्मा को फील करती इस सिटी में आने के बाद सीधा एक सबसे पॉइंट वाली जगह पर चला जाता है ताकि वो इस सिटी को अपनी डिवाइन व्यू से स्कैन कर सके बिल्कुल गेम सीरीज की तरह जब फार्मा स्कैन करता है तो फार्मा को पता चलता है कि ये वायरस फैल चुका है एंड इधर ही फार्मा को पता चलता है कि इसको सेपरेट करने के पीछे व्हाइट गियो का हाथ है जो की फ्लाई भी कर सकती है देन फार्मा इधर से फ्लाई करता है ताकि वो कुछ लोगों को रेस्क्यू कर सके लेकिन इसको नीचे ब्रूनो दिखता है तो वो फार्मा इसके पास आ जाता है ब्रूनो भी फार्मा को देख कर हैप्पी होता है फिर ब्रूनो एंड फार्मा दोनों उन कैप्चर्ड होली डाइट के पास आते हैं इधर जब इन लोगों से पूछा जाता है कि वो इस वायरस को इधर किसके कहने पर लाए हैं तो वो बताते हैं कि हमें नहीं पता कि इसके अंदर वायरस था क्योंकि जिसने हमें ये करने का कहा है उसने हमारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल होस्टेज में लिए हुए थे एंड अगर हम इसका कहा ना मानते तो वो इनोसेंट पीपल्स को किल कर देता ब्रूनो इन सब की बातें सुनने के बाद कहता है कि क्या उस आदमी के फेस पर एक बड़ा सा मार्क था तो आगे से वो होली नाइट कहता है की यस जिस पर ब्रूनो समझ आता है की इसका शक बिल्कुल सही था फार्मा ब्रूनो से पूछता है की क्या आपको पता है की इस वायरस को स्प्रेड या क्रिएट करने के पीछे किसका हाथ है तो ब्रूनो फार्मा के क्वेश्चन के आंसर के तौर पर फार्मा को सारी बात बता देता है कि इसका एक पार्टनर था बाद में इसको एक्सपेल कर दिया गया तो इसने रिवेंच लेने के लिए दूसरी एम्प्रेस, से मिलकर ये हमारे एम्प्रेस पर फैला दिया अब क्योंकि वो होली नाइट्स पकड़ लिए गए हैं तो उन अलार्म को बंद कर दिया जाता है जिसकी वजह से लोटे कहती है की अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है इसलिए मैं अब फार्मेसी में जा रही हूँ और भागना शुरू कर देती है दूसरी तरफ फार्मा ब्रूनो के पास खड़ा होता है की इसको एकदम से

फार्मेसी के बाहर आ चुका है इसके पीछे ही ब्रूनो भी आ जाता है देन ब्रूनो एंड फार्मा इस फार्मेसी में एंटर होकर इस इसवल स्प्रिट के पास आ जाते हैं ब्रूनो फार्मा से कहता है कि मैं इसका ध्यान अपनी तरफ करता हूँ तुम लौटे और उस आदमी को क्योर करो अब ब्रूनो इससे फाइट कर रहा होता है और फार्मा उनको क्योर करने की कोशिश करता है काफी टाइम गुजरने के बाद ब्रूनो अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है लेकिन फार्मा इनको क्योर करने में सक्सेसफुल हो जाता है इसी वजह से अब फार्मा इससे फाइट करने लगता है वो इवल फार्मा से कहती है कि तुम में बहुत पावर्स हैं। देखना ये सब लोग तुमको भी गलत समझना शुरू कर देंगे एंड एक एक ना एक दिन तुम भी भी मेरी तरह इवल बन जाओगे जिसके रिप्लाई के तौर पर फार्मा कहता है कि अगर ऐसा हुआ भी तो मैं तब तक उस वक्त तक लोगों को क्योर करता रहूंगा जब तक मैं कर सकता हूँ एंड इस ईवल को पंच करना शुरू कर देता है एंड सिर्फ तीन पंच में ही इसको नॉकआउट कर देता है वैसे ये बहुत कमजोर विलन था और मैं सोच रहा था की अब कहीं जाकर फाइट देखने को मिलेगी खैर इसको नॉकआउट करने के बाद फार्मा इसको अपनी स्टिक के साथ कम्प्लीटली डिसअपेयर करने की कोशिश करता है काफी सारी मैजिक पावर्स यूज करने के बाद फार्मा इसको तकरीबन डिसअपेयर कर ही देता है एंड इतनी सारी पावर्स यूज करने की वजह से एक कलरफुल लाइट पूरे टाउन में फैल जाती है कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये एक प्यूरिफिकेशन लाइट है खैर लोटे एंड वही आदमी जिसको किल कर दिया गया था पता नहीं कैसे बट मरने से बच जाता है एंड फार्मा के पास आ जाता है इनके पीछे ही वरुणा भी आ जाता है अब क्योंकि फार्मा ने उस ईवल को कम्प्लीटली डिसअपेयर कर लिया है ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि फार्मा ने अपनी लाइफ में पहला मर्डर किया हो तो इसी वजह से फार्माना सैड फील कर रहा होता है तो लोटे जो होती है ना वो इसके पास आती है ताकि वो इसको चेयरअप कर सके एंड इसी वजह से वो इसको पीछे से हक कर लेती है सो तो क्या लगता है कि ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाना चाहिए हाँ बोलो बोलो खैर मैं ही बोल देता हूँ कि ये सब होने के बाद सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है कि अब सब कुछ नॉर्मल पहले जैसा हो चुका है फार्मेसी फिर से ओपन हो गई है लोटे एल्डन एंड फार्मा मिलकर इस फार्मेसी पे काम करते हैं एंड ये फार्मेसी कस्टमर से बड़ी पड़ी है एंड इसी आखिरी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है तो ये था इस एनिमी का लास्ट एपिसोड एंड मे बी इसका सीजन टू कभी ना आए क्योंकि यार देखो इस एनिमी को एक प्रॉपर एंडिंग मिल गई है तो बस ठीक है ना खैर छोड़ो ये सब बातें और कमेंट्स बॉक्स में बताना की वीडियो कैसी लगी और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल मत जाना अब मिलेंगे किसी और एनिमी सीरीज में तब तक के लिए टाटा बाय बाय